जन जन की आवाज जीएन भारत आज आपके साथ समक्ष मौजूद है और आपको बताते चले अभी जो सत्ता के गलियारे में एक खबर जो काफ़ी गर्म है और कुछ इसके बारे में बहुत कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ अटकलें आ रही है, वो यह है सीएम हेमंत सोरेन और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। आपको बता दें कहने को तो ये केवल शिष्टाचार मुलाकात देखा जा रहा है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल के आ रही है और लीडिंग न्यूज़पेपर ने भी इस बात को, झारखंड की लीडिंग डेली न्यूज़पेपर ने भी इस बात को छापा है कि इन दोनों की जो मुलाकात थी ये सिर्फ शिष्टाचार ही नहीं थी बल्कि सीएम हेमंत सोरेन की नज़दीकियाँ बढ़ाना चाह रहे भाजपा से, वो मिलकर उन्होंने अपनी सरकार चलाने में सहयोग करने की बात कही है गृहमंत्री अमित शाह से। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि भविष्य में ये दोनों फिर से सरकार एक साथ बना सकते हैं और साथ ही अपने आप को उन्होंने अमित शाह के सामने सीएम हेमंत सोरेन ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें इस बात को और हवा दे दिया है सीएम हेमंत सोरेन ने तब जब इन्होंने मीडिया के सामने खुद कह दिया कि अभी तो आपने जो देखा देखिया, बाकी अब आपको ब्रेक के बाद देखने को मिलेगा। तो ये बात के बाद अटकलें और ज़्यादा तेज है कि अंदर में आपको बता दें वैसे बहाना तो द्रौपदी मुर्मू का था, एनडीए की जो प्रत्याशी है उसको समर्थन को लेकर बहाना था मिलने का, लेकिन कहा जा रहा है ये सिर्फ एक मुद्दा था, बहाना था, मिलन का जो मुद्दा था एक्चुअली वो कुछ और बात हुआ है। इसके साथ ही और जो बातें अटकलें लगाई जा रही और खबरें निकलकर सामने आ रही है, हमने इस बारे में झामुमो से बात करने की कोशिश की तो सीधा सबने चुप्पी साधी हुई है, भाजपा भी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आपको बताते चले भाजपा ने बहुत बेजोड़ तरीके से सीएम हेमंत सोरेन पर आजकल प्रहार कर रहे हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जहाँ चाहे सीएम पर आचार संहिता का केस चल रहा हो, चाहे कोर्ट में खनन लीज पट्टा जिसको खुद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उजागर किया था पूरे मीडिया के सामने, वो भी पूरे तथ्य और फैक्ट्स और फिगर के साथ, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन तक अनाउंस हो गया था। इसके साथ ही ईडी में पूजा सिंघल तक ऐसा माना जा रहा है कि ईडी ने कहा है कि हमारे पास सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है और हम सीएम हेमंत सोरेन तक भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि ईडी जो है वो सेंट्रल एजेंसी है, सीधा गृह मंत्रालय के अंतर्गत वो काम करती है और ऊपर से गृह मंत्री से जाके मिलना, ये लगाया कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को सरेंडर किया है और अपने बचाव के लिए वो उनसे अमित शाह से मिले हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। इसके साथ ही जो उतना दिन से ताबड़तोड़ निशिकांत दुबे गुड्डा के जो सांसद है, निशिकांत दुबे हर दिन ट्वीट करके सीएम हेमंत सोरेन को निशाना साधते थे, वो भी फिलहाल शांत है। अभी सारे भाजपा के नेता है वो सब शांत है, अभी सीएम हेमंत सोरेन पे किसी तरह का कोई भी आरोप या फिर उनको कभी कहीं कुछ परेशान नहीं किया जा रहा है, वो भी बीजेपी वाले पूरी तरीके से चुप है। और भानु प्रताप शाही जो कि बीजेपी के विधायक है, उन्होंने भी ट्वीट करके कह दिया है कि बकस दे हमरा, हमसे गलती हो गई, थोड़ा सा भोजपुरी और थोड़ा झारखंडी भाषा में उन्होंने ये बात कही है, इसका मतलब हुआ है कि हमको बख्श दीजिए हेमंत भैया, हमसे गलती हो गई। तो इस तरह की जो बातें छोटे छोटे निकल कर ट्वीट्स और इससे जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भविष्य में कांग्रेस और जो राजद और जो जेएमएम का जो गठबंधन है इस पर दरार देखने को मिल सकता है और भाजपा से जो क्लोजनेस जो दर्शा रहा है शिष्टाचार मुलाकात के ही बहाने, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन और अमित शाह के बीच क्लोजनेस इस बैठक में तो देखने को मिला है। अब इस पर तो सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस बैठक का जो इन्होंने खुद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि बाकी हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे, ब्रेक के बाद क्या देखने को मिलता है। लेकिन जीएन भारत की टीम ने जब कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से अपना स्टैंड क्लियर करने कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये शिष्टाचार मुलाकात है, उन्होंने भी इसको सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात करके ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। आप खुद ही सुनिए राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा। देखिए, जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री से मिलता है तो हमें लगता है कि इस पर अटकलें नहीं लगाई जा सकती। ये अटकलों के लिए नहीं है बल्कि राज्य की विधि व्यवस्था, राज्य के अन्य मुद्दों को लेकर के एक संजीदा मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होती है। तो हमें लगता है कि इस प्रकरण पे अटकलें लगा करके राजनीति को एक दूसरी धुरी पर ले जाने का प्रयास किया जाता है। आप देखें कि कैसे इस राज्य का, जो यहाँ के आदिवासियों का जो अस्तित्व और सम्मान की बात है, वो है सरना धर्म कोड। महागठबंधन की सरकार ने विधानसभा से इसको पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, लेकिन आज एक साल से ऊपर होने जा रहा है, ये आदिवासियों की बात तो करते हैं, आदिवासियों के नाम पर ये जुमलेबाजी तो करते हैं, लेकिन आदिवासियों के अस्तित्व और सम्मान की रक्षा जिस धर्म कोड से हो रही हो, सरना धर्म कोड से, उसको ये पारित करने में पीछे हट जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इन मुद्दों को लेकर के भी मुख्यमंत्री काफ़ी संजीदा है और सारे मुद्दों के साथ गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। तो आज जैसा आपने सुना कि राकेश सिन्हा ने स्टैंड क्लियर किया, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले समय में इस मुलाकात और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसका क्या नाम दिया जाएगा, आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा। जीएन भारत आपको लगातार अपडेट देते रहेगा, धन्यवाद।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।